इस लेक्चर से हम शुरू करने वाले हैं कंप्यूटर नेटवर्क। सबसे पहले तो हमें ये समझने की जरूरत है कि नेटवर्क का मतलब क्या होता है। जब दो या दो से ज्यादा डिवाइसेस एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं तो उस केस में हम ये कह सकते हैं कि वो डिवाइसेस नेटवर्क में है। अब यहाँ पे मैंने एक शब्द का इस्तेमाल किया जिसका नाम है कनेक्टेड। तो कनेक्टेड का मतलब क्या है? यहाँ हम कब कह सकते हैं कि दो या दो से ज्यादा डिवाइसेस एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है? देखो, दो या दो से ज्यादा डिवाइसेस एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है ये हम तब कह सकते हैं जब वो दो या दो से ज्यादा डिवाइसेस एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। ठीक है, अब ये जो दो चीजें मैंने तुम लोगों को कही कि कनेक्टेड का मतलब क्या होता है और नेटवर्क का मतलब क्या होता है, अगर तुमने इन दो चीजों को कंबाइन कर लिया तो हमें ये पता चलता है कि कंप्यूटर नेटवर्क का मतलब क्या होता है। कंप्यूटर नेटवर्क एक कलेक्शन है। किसका कलेक्शन? डिवाइसेस का कलेक्शन। कंप्यूटर नेटवर्क डिवाइसेस का एक ऐसा कलेक्शन है जिसके अंदर सारे के सारे डिवाइसेस एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है एक ऐसे तरीके से जहाँ पे वो सारे के सारे डिवाइसेस एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। तो कंप्यूटर नेटवर्क का मतलब ये होता है। अब कंप्यूटर नेटवर्क के होते हैं कुछ गोल्स और उन्हीं गोल्स का अभ्यास आज हम करने वाले हैं। अब जो हमारा पहला गोल है उसका नाम है रिसोर्स शेयरिंग। इसका मतलब क्या है? लेट्स से फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ऑफिस है और इस ऑफिस के अंदर बहुत सारे कंप्यूटर्स है और एक प्रिंटर है। तो अभी ये जो प्रिंटर है वो एक तरीके से रिसोर्स हो गया ना यार। तो रिसोर्स शेयरिंग का मतलब बेसिकली एक ऐसी फैसिलिटी जिसके मदद से जो रिसोर्स है वो मल्टीपल डिवाइसेस शेयर कर सके। अब ये जो रिसोर्स है वो कुछ भी हो सकता है, वो प्रिंटर हो सकता है, वो स्कैनर हो सकता है, वो फैक्स मशीन हो सकता है, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, अब नेक्स्ट गोल इज हाई रिलायबिलिटी। हाई रिलायबिलिटी का मतलब बेसिकली एक ऐसी फैसिलिटी जिसके मदद से अगर एक डिवाइस के अंदर कुछ फाइल्स होंगे तो वो फाइल्स हम दो या दो से ज्यादा डिवाइसेस के अंदर रेप्लिकेट कर सकते हैं। जिससे क्या होगा, जिससे अगर इन डिवाइसेस में से अगर कोई एक डिवाइस भी अगर फेल हो जाता है तो भी हमें फर्क नहीं पड़ेगा और तो भी हम उन फाइल्स को एक्सेस कर सकते हैं। अब नेक्स्ट गोल इज इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको मेरे नोट्स के बारे में एजुकेट करना चाहता हूँ। अगर तुम्हें एग्जाम में पूरे मार्क्स चाहिए और अगर आपको अपने पॉइंटर्स बढ़ाने हैं तो ऐसा करने के लिए आप हमारे नोट्स रेफर कर सकते हो। नोट्स के अंदर एग्जाम में आने वाले मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस और उनके आंसर्स बहुत ही ज़्यादा इजी टू अंडरस्टैंड भाषा में आपको मिल जाएंगे। नोट्स के सारे डिटेल्स हमने आपके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करा दिया है। अब इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? लेट्स से फॉर एग्जांपल एक यूजर मुंबई में कहीं तो भी बैठा हुआ है, एक यूजर बैंगलोर में कहीं तो भी बैठा हुआ है, एक यूजर हैदराबाद में कहीं तो भी बैठा हुआ है। ऐसे अलग अलग यूजर्स अलग अलग लोकेशंस पे अगर बैठे हुए हैं तो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन बेसिकली एक ऐसी फैसिलिटी है जिसके मदद से ये सारे के सारे यूजर्स नेटवर्क और डिवाइस के हेल्प से एक दूसरे के साथ भले वो अलग अलग लोकेशंस पे बैठे हुए हैं बट फिर भी नेटवर्क और डिवाइस के मदद से या इनके हेल्प से वो एक दूसरे के साथ इंटरैक्टिवली कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है या बेसिकली ये गोल इस चीज़ के बारे में बात करता है। नाउ द नेक्स्ट गोल इज सिक्योरिटी। सिक्योरिटी का मतलब बेसिकली एक ऐसी फैसिलिटी जिसके मदद से हम डेटा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम अनऑथराइज्ड यूजर्स। अब ऐसा करने के लिए अलग अलग मेजर्स को इम्प्लीमेंट किया जाता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल फायरवॉल, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एंटीवायरस, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एनक्रिप्शन ऑफ डेटा, जिससे हम डेटा की अवेलेबिलिटी, डेटा की कॉन्फिडेंशियलिटी और डेटा की इंटीग्रिटी एंश्योर कर सकते हैं। अब डेटा की अवेलेबिलिटी और डेटा की कॉन्फिडेंशियलिटी और डेटा की इंटीग्रिटी इसका मतलब क्या है, अगर तुम्हें ये जानना है तो तुम मेरा एक लेक्चर चेकआउट कर सकते हो जिसका नाम है CIA ट्रायड्स, या उस लेक्चर के टाइटल में सिक्योरिटी गोल्स भी लिखा गया है विद दिस। This lecture is based on the subject called as cryptography and system security. इस लेक्चर को तुम चेकआउट कर सकते हो अगर तुम्हें ये जानना है तो। नेक्स्ट गोल इज नेटवर्क टोपोलॉजी। अब नेटवर्क टोपोलॉजी एक ऐसा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको कंसिडर किया जाता है व्हाइल डिजाइनिंग कंप्यूटर नेटवर्क। नेटवर्क टोपोलॉजी की मदद से हमें ये पता चलता है कि एक नेटवर्क के अंदर कंप्यूटर्स और डिवाइसेस को किस तरीके से अरेंज करना है। ऐसे हो सकता है कि तुम्हें नेटवर्क टोपोलॉजी अभी ना समझे क्योंकि इसके ऊपर हम एक सेपरेट लेक्चर बनाने वाले हैं, तो तब तुम्हें सारी की सारी चीज़ें समझ जाएंगी। अब कुछ कॉमन टोपोलॉजीज होते हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, वगैरह वगैरह वगैरह। अब ये जो सारे के सारे कॉमन टोपोलॉजीज है, इन टोपोलॉजीज के अपने अपने कुछ एडवांटेजेस होते हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट, स्केलेबिलिटी, रिलायबिलिटी एंड परफॉर्मेंस। बट इनमें से किस टोपोलॉजी का इस्तेमाल करना है हमारे नेटवर्क के लिए, ये इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि उस नेटवर्क के नीड्स क्या है
उस नेटवर्क के कंस्ट्रेंट्स क्या है, सही टोपोलॉजी का इस्तेमाल होना, यही गोल होता है मेरे भाई। अगर तुम्हें लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ इस लेक्चर को लाइक कर दीजिए, और ये हमारा प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट के अंदर आपको इस सब्जेक्ट के सारे लेक्चर्स अवेलेबल मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच, बाय।